हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड शो ऑफ फैक्ट्स फैक्ट्री. अगेन गाइस, आई एम हियर विद सो मेनी फैक्ट्स दैट विल ब्लो योर माइंड. जो हमारे और आपके, मेरे दिमाग की बत्ती तो आपसे पहले ही जल जाती है क्योंकि मैं ऑलरेडी फैक्ट्स देख चुकी होती हूँ. बट अब मैं आई हूँ आप लोगों की दिमाग की बत्ती जलाने. सो आज भी मेरे पास है बहुत सारे फैक्ट्स जो आपके दिमाग को चौंका देंगे कि यार ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है. बट कोई भी फैक्ट पे पहुंचने से पहले देख लेते हैं कि कितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है. सो लेट्स सी द कमेंट्स. प्रवीण शर्मा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग प्रवीण. अश्विन आनंद, वेटिंग फॉर यू. अब स्टार्ट कीजिए. अश्विन, योर वेट इज ओवर मैन, आई एम हियर. नेक्स्ट इज प्रवीण शर्मा. स्टार्ट कर भी दो, कर तो दिया. नेक्स्ट इज अश्विन आनंद. थैंक यू प्रवीण मलिक. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग प्रवीण. सुभाजित महापात्र, हेलो मैम. हेलो, चलो भाई स्टार्ट करें क्या? अभी और भी है. अमर किशोर, ब्यूटीफुल मैम. वेल आई नो दिस अमर, से समथिंग दैट आई डोंट नो. चलो एनीवेज, थैंक यू. चलिए तो देख लेते हैं आज का पहला फैक्ट क्या है. हाँ, चलो पहले फैक्ट जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम अपने आप से ही शुरू करने वाले हैं. बीइंग द ह्यूमन, हम सभी को पता है हमारे हेयर्स, राइट? अब देखते हैं कि पहला फैक्ट है क्या. हाउ मच वेट डज ह्यूमन हेयर सपोर्ट. मतलब कि कितना एक वेट होता है हमारे बालों के अंदर जो कि हमारे ह्यूमन हेयर सपोर्ट करता है. सो कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. सो द आंसर इज अ सिंगल ह्यूमन हेयर कैन सपोर्ट अप टू 100 grams इन वेट. एग्जैक्टली गाइज, दैट मीन्स हमारे जो बाल हैं, हमारे जो हेयर्स हैं, वो अप टू 100 grams तक सपोर्ट करते हैं हमारे ऑल ओवर वेट में. अब इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या. मतलब मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. द मोस्ट एटॉनिशिंग फैक्ट इज दैट द होल हेड ऑफ हेयर कुड सपोर्ट अप टू 12 tons, विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ 2 African elephants. So guys, थोड़ा सा confusion लग रही होगी यहाँ पर कि यार ये मैम क्या बोल गई. पहला fact ही इतना confusion सा है, कैसे क्या है, बालों का weight क्या है. मैं बता देती हूँ. कई लोगों ने देखा होगा हमारा India's Got Talent, यानी या फिर Guinness जो world records होते हैं उसमें कई record ऐसे बने हैं जहां पर लोगों ने अपने बालों से यार ट्रक के ट्रक खींच दिए, right? और उन ट्रक को खींचने के लिए उनके जो बाल, उनका जो सर, उनका जो स्कैल्प यूज होता था, वही यहाँ पर फैक्ट बताया है कि जो हमारा ह्यूमंस के हेयर्स होते हैं ना, वो भी एक इतना सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज अप टू 2 African elephants. किसी को पता थी ये बात? किसी को नहीं पता होगी, बिकॉज हमें लगता है कि बालों का तो मतलब इतना ज्यादा वजन होता नहीं है, नीचे भी गिरेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. चलिए देख लेते हैं उससे पहले थोड़े से कमेंट्स. और मैम नीचे के बाल कितना वेट उठा सकते हैं? शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वेल, सो आज का जो सेकेंड फैक्ट है वो देखते हैं कि किस किस को पता होने वाला है. विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज स्टिल प्रोनाउंस्ड द सेम वे व्हेन द लास्ट लेटर्स आर रिमूव्ड. यानी कि इंग्लिश का कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके अगर हम लास्ट लेटर्स रिमूव भी कर दें तो जो उसका पहला वर्ड है ना उसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो भी वो सेम वे ही प्रोनाउंस होगा जैसा उसके वो बाकी लेटर्स एड होने के बाद होंगे. So, अब देख लेते हैं कि कौन कौन ये आंसर ढूंढ पाता है. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. मुझे पता है पहला फैक्ट थोड़ा सा या कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा ना होता है ना आउटसाइड द कॉन्सेप्ट हो गया. चलो कोई बात नहीं. सेकंड फैक्ट बताओ कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके 4 letters हटाने के बाद भी उसका जो पहला लेटर है उसको अगर हम दोबारा प्रोनाउंस करेंगे तो वो तब भी वही बोला जाएगा जो 4 letters जुड़ने के बाद बोला जाता है. एनी आंसर्स? के नो खान, यू आर रॉन्ग. शॉकिंग. पूनम राणा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग पूनम. चलो अब आंसर बता दो कि ऐसा कौन सा लॉन्गेस्ट वर्ड है इंग्लिश में जिसके अगर हम पीछे के 4 letters हटा भी दें तो उसका सिंगल वर्ड ही अगर हम प्रोनाउंस करेंगे ना तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोनाउंस होगा जैसे कि वो 4 letters जुड़ने के बाद होता है. एनी आंसर्स? अरे कोई किसी को परेशान मत करो. बाय द वे ये बताओ कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो अगर हम उसके 4 letters हटा भी दें तो भी वो सेम ही प्रोनाउंस होगा. एनी आंसर्स गाइस? हिंट दे दो यार. इसमें क्या हिंट दे दो, बता तो दिया कि एक ऐसा वर्ड है जो एक लॉन्गेस्ट वर्ड अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है? वो ऐसा वर्ड है कि अगर उसके 4 words हटा भी दोगे तो भी वो वैसे ही सेम प्रोनाउंस होगा. सौरभ गांगुली शो. सुभाजीत महापात्रा, अगर ये सौरभ गांगुली के शो में यूज हुआ है या पूछा गया है तो इतने इंटेलिजेंट हो तो यार इतना याद है. आप ही आंसर बता दो. अश्विन आनंद क्यू. मोहम्मद अशरफ, हाय मैम. हाय अशरफ.
अश्विन एंड क्यू, अमित राठी, आई हाय अमित राठी, एनीवन एल्स, गुड मॉर्निंग तो हो गई है, अब आंसर भी बता दो। मैं सेकंड फैक्ट पे पहुंच गई हूँ और अभी तक मुझे गुड मॉर्निंग ही आ रहा है। आंसर बताओ, क्यू, इट्स नॉट ड्यू, आई थिंक ही वॉन्ट्स टू राइट क्यू, या ही स्पेल्ड इट करेक्ट, इट्स क्यू। सो द आंसर इज क्यू। द वर्ड क्यू इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज स्टिल प्रोनाउंस द सेम वे व्हेन द लास्ट फोर लेटर्स आर रिमूव्ड। अब इसको करके देख लो कि अगर हम इसके जो क्यू के बाद यू ई को हटा भी दें तो भी ये जो क्यू रह जाएगा ना, ये वही प्रोनाउंस्ड होगा एज अ क्यू। तो दिस इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड। वैसे तो छोटे मोटे बहुत रहे होंगे, बट दिस इज द ओनली वर्ड। सो चलो देख लेते हैं व्हाट इज आवर नेक्स्ट फैक्ट। विच इंसेक्ट कैन लिव सेवरल वीक्स विद इट्स हेड कट ऑफ। मतलब गाइस, हेड कट ऑफ, अगर किसी का सर काट दिया जाए तो यार हम जो इंसान है वो तो सीधा मर जाते हैं। हमने दोनों बाहुबली में भी देखा है कि जब जब बाहुबली ने उसके सर काटे हैं, बंदा उसी टाइम खत्म। अब देख लेते हैं कि ऐसा इंसेक्ट कौन सा बना दिया भगवान ने जो कि अपना सर कटा होने के बाद भी कुछ टाइम तक जिंदा रह सकता है। एनी आंसर्स, एनी गेसेस गाइस? थैंक यू प्रवीण शर्मा फॉर सेइंग दैट आई एम ब्यूटीफुल। अब यार आंसर बताओ चलो कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसका सर कटने के बाद भी वो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है। एनी आंसर्स? रजवी, कॉकरोच, कॉकरोचेस, अर्थवॉर्म्स, नो इट्स रॉन्ग आंसर, कॉकरोचेस, 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 बहुत सारे हो गए हैं कॉकरोचेस। तो देख लेते हैं व्हाट इज द आंसर इज। एग्जैक्टली गाइज, द कॉकरोच कैन लिव सेवरल वीक्स विद इट्स हेड कट ऑफ। अपना सर कटने के बाद भी वो कुछ वीक्स तक जिंदा रह सकता है। अब देख लेते हैं इसका रीजन। ड्यू टू देयर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द फैक्ट दैट दे ब्रीथ थ्रू लिटिल होल्स इन ईच ऑफ देयर बॉडी सेगमेंट्स। उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो ओपन होता है, दे डजंट नीड लाइक माउथ एंड नोज, नोस्ट्रिल्स, ताकि वो जिससे सांस लें और सांस छोड़े। उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। अनदर थिंग इज दैट कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द माउथ और हेड टू ब्रीथ। द रोच ओनली डाइज बिकॉज विदाउट अ माउथ इट कैन नॉट ड्रिंक वॉटर एंड डाइज ऑफ थर्स्ट। यानी कि उसकी जो मौत होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि वो अपने मुंह से पानी नहीं पी पाता, और जितने टाइम वो पानी के बिना सर्वाइव करता है उस टाइम तक वो करता है। जैसे ही उसका जो माउथ होता है, उसकी बॉडी एकदम प्यास से मरने लगती है, तो कॉकरोच भी उसी टाइम मर जाता है। यानी कि कॉकरोच बिना सर के कुछ टाइम तक जिंदा रह सकता है, बट हमेशा के लिए नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट। विच इज द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विदाउट अ वोवल। वोवल तो पता ही होंगे ना, AEIOU, राइट? इनके अलावा जो इनका बिल्कुल भी यूज नहीं होता है एक ऐसे वर्ड में, वो वर्ड कौन सा है? बट इसका आंसर देखने से पहले जिन्होंने भी बताया था कि कॉकरोच, उनके आंसर्स बिल्कुल ठीक थे। अब आप इसका आंसर बताओ कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कौन सा लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें एक भी वोवल यूज नहीं होता है। चलो हिंट देती हूँ, ये जो एक वर्ड है ना, ये डांस की फील्ड में बहुत यूज होता है। मतलब जब भी कोई डांस करता है या डांस सीख रहा होता है, तो जितने भी कोरियोग्राफर्स होते हैं ना, वो इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं जब भी वो डांस के लिए जाते हैं। एनी गेसेस? आशीष झा, रिदम। ओ माय गॉड, लगता है आज के फैक्ट्स बहुत इजी होने वाले हैं ना यार, या तो सबके 4G बड़े फास्ट चल रहे हैं। चलो देख लेते हैं आंसर। एग्जैक्टली गाइस, रिदम इज द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विदाउट अ वोवल। आप देख सकते हो कि इसमें एक भी वोवल का यूज नहीं होता है, और इसी वजह से ही ये एक फैक्ट तैयार हुआ है कि रिदम इज द वर्ड विदाउट अ वोवल इन इंग्लिश लैंग्वेज। देख लेते हैं कि किस किस के सही आंसर आ रहे हैं। अमित राठी, रिदम, यस अमित यू आर राइट, सुभाजीत यू आर ऑल्सो राइट, अश्विन आनंद सेकेंड वाला ठीक है भाई, मोहन पाठक रिदम ठीक है, देवांशु यू आर ऑल्सो राइट, कुलविंदर सैनी राइट राइट राइट, वेदा जी, ट्विंडी लिंक्स, पता नहीं क्या है ये, बट मैंने तो रिदम देखा। अब जो मैंने देखा मैं तो उसी पे बिलीव कर पा रही हूँ। राजमणि वर्मा, रिदम, यस यू आर राइट, राजवीर यू आर ऑल्सो राइट, के खान इज ऑल्सो राइट। चलो भाई, सबके दिमाग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, यानी फैक्ट फैक्ट्री देखने से कुछ तो फायदा हो रहा है कि आप लोगों के फैक्ट्स की बत्ती, और सॉरी फैक्ट्स की बत्ती बोल दिया मैंने, कि दिमाग की बत्ती जल चुकी है। चलो नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। वेन द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड वॉज परफॉर्म्ड,
यानी कि जो अभी हम कहते हैं ना कि यार उसको खून चढ़ाना है, खून लेके आना है, उसके खून की बॉटल चढ़ रही है, वट एवर इज दैट। सो ट्रांसफ्यूजन ऑफ जो ब्लड था वो सबसे पहले कैसे परफॉर्म हुआ था? एनी गेसेस? पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कमेंट्स हैं। राजवीर मीना, राजवीर मीना मैंने आपका नाम लिया था यार, ध्यान से सुनो, ऐसे ब्लेम मत लगाओ पब्लिकली, मैंने लिया था आपका नाम। बट एनीवेज अगर नहीं लिया है तो भाई राज मीना, सॉरी राजवीर मीना, हाय। ठीक है, अब ठीक है, अब चलो नेक्स्ट बताओ कि व्हेन द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड वाज परफॉर्म्ड? 1818, रॉन्ग आंसर। और ट्राई करो कि कितना हो सकता है कब परफॉर्म हुआ था, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, कुछ साल और पीछे आ जाओ। अब इतना हिंट दे चुकी हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। एनी मोर आंसर्स? 1818, एनी मोर? 1665, ओके। अमर किशोर? 1817, 1665, पता नहीं, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं दीक्षित आपको, पता नहीं तो कोई बात नहीं, हम हैं इसीलिए यहाँ पर कि आपको जो भी चीजें नहीं पता हम खड़े हैं बताने के लिए। सो फिर भी थोड़ा ट्राई तो करो। चलो आंसर मैं बता देती हूँ। फर्स्ट नोन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड वॉज परफॉर्म्ड एज अर्ली एज 1667, या 1667 में जो पहला ट्रांसफ्यूजन था वो परफॉर्म हुआ था। अब इसके पीछे का रीजन जानना चाहोगे क्या था? चलो देख लेते हैं। द फर्स्ट नोन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड वॉज परफॉर्म्ड एज अर्ली एज 1667 व्हेन जेन बेप्टाइज्ड ट्रांसफ्यूज टू पॉइंट्स ऑफ ब्लड फ्रॉम अ शीप टू अ 15 ईयर ओल्ड बॉय हु हैड बीन ब्लेड सो मच बाय हिज डॉक्टर दैट ही रिक्वायर्ड एन इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड समहाउ द किड रिकवर। मतलब जो पहला ट्रांसफ्यूजन था ना गाइज, जो पहला ट्रांसफ्यूजन यानी कि जो पहला ब्लड डोनेट हुआ था वो एक शीप का हुआ था, ह्यूमन बॉडी में, एक 15 साल के लड़के के अंदर एक डॉक्टर ने जिनका नाम था जीन बैप्टाइज, उन्होंने एक 15 साल के लड़के में एक शीप का 2 पाइंट बॉटल चढ़ाया था और वो लड़का ठीक हो गया था, यानी कि समहाउ द किड रिकवर। तो तभी से ये जो हमारा प्रोसेस है ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि ब्लड डोनेशन की, बट ह्यूमन टू ह्यूमन। बट जो पहला ट्रांसफ्यूजन था वो जो खून था वो एक शीप का था। सो किसी को पता था ये? चलो देखते हैं। बाय डायनासोर? नो नो नो, इट्स बाय शीप। अच्छा, मोहम्मद अशरफ को ये पता था। सूरज राय से हाय मैम, हाय सूरज। चलो अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट लेक्स देन एनी अदर कंट्री? यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे लंबी लेक है दुनिया की किसी भी और कंट्री के अलावा? बट बिफोर कमिंग टू द आंसर देखते हैं ये किसको पता है। चलो भाई आंसर दो और बताओ कि सबसे लॉन्गेस्ट जो लेक है वो कौन सी कंट्री में है। हाँ 15 जून, राइट। अमित राठी, 6 क्वेश्चन का आंसर बताओ, 6 फैक्ट का आंसर बताओ कि जो सबसे लंबी लेक है वो कहाँ है कंट्री की, जो कि सबसे लंबी है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। यूएसए? नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट बताओ। अफ्रीका? नो। ओके, सो खान इज सेइंग दैट कि यूएसए बॉर्डर कनाडा। चलो भाई और देख लेते हैं, अभी इस आंसर को देखते नहीं है वेदर इट इज राइट और नॉट, बाकी भी देख लेते हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, कोई तो नाम बताओ। अफ्रीका, यूएसए। डायनासोर का ब्लड ट्रांसप्लांट तो कोई जिगर वाला कर सकता है। ओके, कोई बात नहीं, डायनासोर तो अब खत्म हो गए बट शीप अभी भी बची है, और इतना ही जिगर है ना यार, तो शीप का ही ट्राई कर लो, फिर देखते हैं। चलो अब आंसर है कनाडा हैज लॉन्गेस्ट लेक्स देन एनी अदर कंट्री। कनाडा की जो लेक है वो सबसे लंबी है किसी भी और कंट्री के कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से, हाउ इट बिकम अ फैक्ट। लेक सुपीरियर ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा बॉर्डर इज द नेम्ड फ्रेश वाटर लेक विद द ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया एट 31,700 स्क्वायर माइल्स, यानी कि 82,103 स्क्वायर किलोमीटर्स। इतनी लंबी लेक यार कनाडा में है। सो देख रहे हो कि किस तरीके से ये फैक्ट्स होते हैं, मतलब जो चीजें हम इतने नोन होती हैं, हमें पता है सबको कि कनाडा इज अ वेरी फेमस कंट्री, अब तो इंडियंस भी बहुत है वहां पर, बट स्टिल जब हमें कुछ चीजें पता चलती है तो दैट विल रियली गोना ब्लो आवर माइंड, पता ही नहीं चलता। अब देखते हैं कि किस किस को पता था। ओके सुभाजी दास, थैंक यू।
इफ आई एम स्वीट रेशमा अंसारी मोहम्मद शफाई कैनेडा दिए थे मैम. ओके सूरज, अगर आपने कैनेडा दिया था तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. कुलदीप सिंह स्वीट वॉइस, थैंक यू कुलदीप. चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. अ प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड टिल नाउ. एग्जैक्टली गाइज, ये मैंने सबसे पहले आपसे फर्स्ट वीडियो में पूछा था. मैंने आपसे तीन चार ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, तीन चार ऐसे फैक्ट्स बताए थे जिनका मैंने आंसर बताया ही नहीं था. और चौंकने वाली बात तो मेरे लिए ये थी कि किसी ने मुझे आंसर उसके बताए भी नहीं. एनीवेज, अब बता दो कि देयर इज अ प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड टिल नाउ. और जब इसका आंसर पता चलेगा ना तो रियली मतलब एक शॉकिंग वाले माइंड की माइंड एकदम शॉकिंग स्टेज में चला जाता है कि यार ऐसा भी कोई जगह है और मतलब ऐसे भी कुदरत ने कारनामे कर दिखाए हैं. सीरियसली चलो आंसर बताओ. मेरा रॉन्ग हो गया. वेरी गुड फैक्ट, कनाडा में सिख ज्यादा हैं. यस, कनाडा में सिख ज्यादा हैं, बट हैं तो यार इंडियंस ही ना. चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, बट इंडियंस आर ऑलवेज इंडियंस. ठीक है, अब इसका आंसर बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में जहां पर आज तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, यानी कि वहां पर पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी है. एनी गेसेस गाइस? अटकामा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अश्विन आनंद, अटकामा डेजर्ट. देख लेते हैं आंसर क्या है. सो अश्विन आनंद, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अटकामा डेजर्ट हैव नॉट हैड रेनफॉल फॉर ओवर 400 ईयर्स. 400 सालों से वहां पर कोई भी बारिश की बूंद आज तक रिकॉर्ड नहीं की गई है. द अटकामा डेजर्ट इज फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ चिली, साउथ अमेरिका, राइट नेक्स्ट टू द पैसिफिक ओशन. अब ये चीज है जो मतलब गौर करने वाली है, जिसपे हम फोकस कर सकते हैं कि यार ये एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल मतलब पैसिफिक ओशन के नेक्स्ट टू द पैसिफिक ओशन, और फिर भी यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती है, जो कि पैसिफिक ओशन है. दैट इज कॉल्ड एज द बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, यानी कि बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड एंड स्टिल उसी के पास जो जगह है वहां पर आज तक बारिश ही नहीं हुई है. गाइज ये ऐसे फैक्ट्स है ना जो गिवन बाय नेचर है, जिनका कोई आंसर नहीं है, राइट. बट देख रहे हो कि ऐसे भी फैक्ट्स होते हैं. सो देखते हैं कुछ कमेंट्स पर. नो आइडिया मैम. कोई बात नहीं रेशमा, अब आई हैव गिवन यू द आइडिया, इट्स अटाकामा डेजर्ट. चलो देखते हैं नेक्स्ट. हाँ, विच एनिमल हैज 3 हार्ट्स, 9 ब्रेन्स एंड ब्लू ब्लड? अब बताओ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, बट इसका आंसर इतना इजी है ना यार, ये तो बहुत ही पता होगा सबको. लेकिन सोच के देखो यार, 9 दिमाग, 3 दिल और नीले रंग का ब्लड. मेरे को तो देखने में मतलब कैसा लगता होगा ना, नीला खून यार. एनीवेज चलो देखते हैं ये किसको पता है. अमर किशोर मैम, ये कैसे हो सकता है? अमर किशोर, ये कैसे हो सकता है? ये तो यार नेचर से ही पूछना पड़ेगा, बट नेचर जवाब नहीं देती. ठीक है, नेचर बस अपने एक्शंस दिखाती है कि इसी मैं ये भी कर सकती हूँ. सो नेचर की बात करें तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल ही आंसरलेस है, मतलब जिनके कोई आंसर नहीं है, जिनके कोई प्रूफ भी नहीं है, बट स्टिल दे एग्जिस्ट. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ कि विच एनिमल हैज 3 हार्ट्स, 9 ब्रेन्स एंड ब्लू ब्लड? गॉड आर्टिस्ट मेरा, वेल शशि किरण का ब्लड ब्लू है, तो मैं डेफिनेटली साइंटिस्ट को कभी ना कभी अगर वो मुझे मिले ना, मैं उनको जरूर बोलूंगी एक आर्टिस्ट शशि नाम का लड़का है, वो कहता है मेरा नीले रंग का ब्लड है, तो उसका ब्लड चेक किया जाए. एनी आंसर्स? ऑक्टोपस. ओके नेक्स्ट. यस एग्जैक्टली, इट इज ऑक्टोपस. और जिसने भी एलियन बोला था ना, तो एलियन भाई मैंने तो कभी नहीं देखा और ना मैंने किसी फैक्ट में पाया. सो ऑक्टोपस इज द राइट आंसर. ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जिसके 3 हार्ट, 9 ब्रेन्स एंड ब्लू ब्लड होता है. अब देख लेते हैं कैसे. एन ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स, 9 ब्रेन्स एंड ब्लू ब्लड. 2 हार्ट्स पंप अप टू द गिल्स व्हाइल अ थर्ड सर्कुलेट्स इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. समझ रहे हो कि मतलब उसके 3 जो दिल होते हैं और जो 9 दिमाग और नीले रंग का ब्लड है, जिसमें से 2 दिल ऐसे हैं जो पंप ब्लड करते हैं उसके गिल्स को, और जो तीसरा वाला है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है. सो देखते हैं किस किस को ये आंसर पता था. ये आंसर तो बहुत ही सारे लोगों को पता था मैम, आंसर के साथ पिक भी नहीं है मैम. ओके ओके अमित राठी, कोई बात नहीं, आंसर के साथ पिक दी तो, बट आंसर के साथ पिक मैंने भी दी थी. ओके थैंक यू अमर किशोर. इफ इट इज अ नाइस सेशन देन इसको अगेन एंड अगेन, जब भी ये सेशन होता है तो इसको ज्वाइन करते रहिएगा. की चीज नहीं यूनिवर्स में. ओके
ओके ओके ओके, चलो भाई अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्ट क्या है। चलो, वेयर द लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जाम रिकॉर्डेड, आज तक का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम है वो कहाँ था और कैसे रिकॉर्ड हुआ था, मतलब जो आज का जो फैक्ट है वो इस चीज पे बेस्ड है कि सबसे ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम आज तक दुनिया में कहाँ हुआ था। इसका आंसर बताओ। आईबीटी कोलकाता एड्रेस, जिस सुभाजीत अगर आपको आईबीटी कोलकाता का एड्रेस चाहिए तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, वहां पर यू हैव टू सर्च दी सेंटर्स, वहां पर एक कॉलम दे रखा है, वहां पर आपको जो भी आपका प्लेस है आप उसको सर्च कर सकते हो एंड यू विल गेट दी एड्रेस फॉर श्योर। चाइना, अश्विन आनंद इज सेइंग चाइना, एनी मोर आंसर्स गाइस, या सिर्फ चाइना पे ही रुक जाएं। धौला कुआं दिल्ली, वैसे आप दिल्ली में रहते हो तो यार दिल्ली की बातें करोगे, लेकिन फैक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो कि लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जाम, वैसे तो जहां पर भी हम लोग रहते हैं, जहां पर भी हम लोग जो चीजें देख रहे होते हैं हमें लगता है भाई यही सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, बट गाइस दुनिया में और भी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारे दिमाग से भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सोचते भी नहीं। एनी आंसर्स मोर, चाइना 12 डेज, जापान और चाइना, चाइना। दीपक मिश्रा, अभी देखते हैं बाकियों को भी बताने दो यार, मोलाली में है, ओके बीजिंग चाइना, चाइना चाइना, थैंक यू मैम, ओके मोहन पाठक चाइना, ब्रिटेन चीना, महिंद्रा के ऑपोजिट, ओके ओके ओके, चलो एनीवेज आंसर देखते हैं। सो जिस जिसने भी बोला था चाइना, दैट्स द राइट आंसर। चाइना का जो नेशनल हाईवे 110 है वहां पर सबसे लंबा ट्रैफिक जाम आज तक रिकॉर्ड हुआ है, देखते हैं कैसे। सो इन अगस्त 2010 बीजिंग चाइना 62 माइल लॉन्ग ट्रैफिक जाम दैट लास्टेड फॉर 12 डेज। तो अब जिसने भी बोला था ना कि दिल्ली का धौला कुआं, जिसने भी बोला था कि कहीं और ब्रिटेन वगैरह, सो गाइस 12 दिन तक ट्रैफिक जाम, सोच रहे हो जब हमारे गुड़गांव में भी जाम लग जाते हैं ना तो भी हम सोचते हैं यार इतना लंबा ट्रैफिक जाम है, दिमाग खराब हो गया, पहुंचेंगे कैसे, दिमाग की दही हो गई, दिमाग की चटनी हो गई, दिमाग के साथ सब कुछ सारी डिशेस तैयार हो जाती है। बट गाइस चाइना के लोगों का सोचो, उन्होंने तो इतना लंबा ट्रैफिक जाम देखा था यार, 12 दिन, मैटर रखता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विच इंसेक्ट हियर फ्रॉम लेग्स और हैविंग ईयर्स ऑन लेग, मतलब कान में पैर, पैर में कान, बहुत ही अजूबा है बट है, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके कान पैर में होते हैं और जो पैर हैं वो कान में होते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है, दोबारा सुन लो। विच इंसेक्ट हियर फ्रॉम लेग्स और हैविंग ईयर्स ऑन लेग्स, समझ रहे हो, अब देखते हैं इसका आंसर किस किस को पता है। चलो भाई ढूंढो ढूंढो, चलाओ गूगल फटाफट। यस मैम राइट, बीजिंग हाईवे बांद्रा में, मैंने बताया ना देवांशु गुप्ता, आप चाहे बांद्रा बोल लो, चाहे धौला कुआं बोल लो, चाहे गुड़गांव बोल लो, चाहे गुरुग्राम बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट अभी तक का सबसे लंबा जो ट्रैफिक जाम था वो चाइना में था। अब नेक्स्ट आंसर बताओ। ओके भाई जिसको नहीं पता वो नहीं बताएगा, तो मैंने कब बोला है कि तू अभी बता, अभी बता, नहीं पता नहीं पता, बाकी हैं बताने वाले, सो डोंट थिंक दैट यू आर अ मैन, अभी बहुत सारे आंसर आने वाले हैं मेरे पास, देख लेते हैं। देवांशु गुप्ता बता दे यार, देवांशु गुप्ता क्यों किसी पे डिपेंड होना यार, खुद का थोड़ा सा दिमाग लगा लो और खुद का थोड़ा सा यूज कर लो समथिंग। स्नेक नो, आशीष झा क्रिकेट, ओके देख लेते, स्मे मोहन पाठक स्नेक, अमित राठी ग्रास हॉपर, सूरज राय नो आइडिया मैम, आई विल गिव यू दी आइडिया डोंट वरी, अमर किशोर स्नेक स्नेक स्नेक, सूरज आप ही बता दो मैम, थोड़ा तो वेट करो यार, सब्र का फल मीठा होता है, वेट। मोहम्मद अशरफ, ओ नो आइडिया मैम, कोई बात नहीं अभी बता देते हैं। अश्विन आनंद क्रिकेट, अभी बताते हैं अश्विन, कोई बात नहीं, इतना जोर मत दो, कोई बात नहीं, आप गुड़गांव से हो, मैं कहीं से भी हूँ उसका क्या फर्क पड़ता है यार, फैक्ट पे ध्यान दो, और मुझसे इतना ही मिलना है तो आईबीटी में एडमिशन ले लो, जरूर मिलूंगी मैं। नो आइडिया मैम, मैम बताइए मैम, चलो भाई बताते हैं। यस क्रिकेट इज द राइट आंसर, क्रिकेट, अब ये वाला क्रिकेट मत समझ लेना, पहले एक इसकी फोटो जरूर देख लेना। क्रिकेट एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके पैर में कान होते हैं और वो अपने पैरों से सुनता है, चलिए देखते हैं कि कैसे। क्रिकेट्स डोंट एक्चुअली हियर विद देयर लेग्स, दे हियर विद टाइनी ईयर्स लोकेटेड ऑन देयर लेग्स, मतलब कि उनके जो पैर हैं वो उससे नहीं सुनता है, उसके पैर में जो कान है वो उससे सुनता है। एंड दे आर नॉट दी ओनली इंसेक्ट्स विद ईयर्स ऑन देयर लेग्स,
यानी कि वो एक ऐसे इंसेक्ट्स वही नहीं है जिनके कान पैर में होते हैं, देर आर सो मेनी अदर्स. देख लेते हैं, ग्रास हॉपर्स, कैरिडेट्स एंड लोकस्टस हैव देम टू. यानी कि क्रिकेट के अलावा भी तीन ऐसी प्रजातियां हैं इंसेक्ट्स की जिनके कान पैर में होते हैं. देखा? सो गाइस, ये थे हमारे आज के 10 फैक्ट्स, एंड आई होप ये आपको पसंद आए होंगे. और अगली बार जो हमारा सेशन होगा वो भी भर भर के फैक्ट्स के साथ होने वाला है. सो डू एंजॉय द फैक्ट्स फैक्ट्री, बिकॉज आई एम ऑलरेडी हियर टू गिव यू द फैक्ट्स. और मैं डेफिनेटली अच्छे से अच्छे फैक्ट्स आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगी जो आपके दिमाग को एंटरटेन भी करेंगे, प्लस आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद मी विद द फैक्ट्स फैक्ट्री शो.